वेलकम मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा 2 के बारे में। आखिर पुष्पा 2 फिर से पोस्टपोन्ड होने जा रही है या उसके साथ क्या सीन चल रहा है? अब आप बोलोगे कि कल तो पोस्टर आया, तो पोस्टपोन्ड कैसे होगी? तो मैं आपको सब बताऊंगा कि पुष्पा 2 की हाइप क्यों नहीं है। अगर ऐसी हाइप रही तो पुष्पा 2 डेड हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं कल के पोस्टर के बारे में। अभी पुष्पा 2 के रिलीज होने में 2 मंथ या 10 दिन जैसा रहता है, लेकिन मेकर्स उसकी प्रमोशन और इसकी हाइप के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कल पोस्टर डाला, वो भी एक ऐसा धमाकेदार पोस्टर नहीं था। उनके उल्टा देख सकते हैं और डेज लिखे हुए आए हैं, तो इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि इस बार पोस्टपोन्ड नहीं होगी। लेकिन कुछ दांसू लाओ भाई साहब, क्योंकि पुष्पा 2 एक ऐसी मूवी है जो कि 2000 करोड़ वाली मूवी है, तो आप उसके आसपास किसी को आ भी नहीं देना चाहोगे। उसका प्रमोशन तेजी से करो, क्योंकि अभी उसके रिलीज होने में 2 मंथ या 10 दिन जैसे ही रहते हैं। अगली खबर ये मिल रही है कि पुष्पा 2 की शूटिंग अभी भी चल रही है और एक स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं और ये सॉन्ग हमें दशहरा पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इनके अलावा एक और खबर मिल रही है कि रणवीर सिंह का कैमियो इस मूवी में कंफर्म कर लिया गया है, वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। पुष्पा 2 जिस तरह की मूवी है, उस तरह की हाइप क्यों नहीं है अभी पुष्पा 2 की? बात तो सही है। ये बोल रहे हैं फैंस, ये बोल रहे हैं मेकर्स को बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ दांसू पुष्पा 2 के रिलेटेड लाना चाहिए, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं बचा है। लेकिन अंदर की खबर ऐसी मिल रही है कि पुष्पा 2 के सॉन्ग अब लाइन में रिलीज होने जा रहे हैं। एक दशहरा पर आएगा, उसके बाद सभी सॉन्ग रिलीज होने जा रहे हैं। लेकिन अभी अल्लू अर्जुन भी नहीं दिख रहे, कुछ इंटरव्यू भी नहीं दे रहे। आप इतनी बड़ी मूवी की हाइप क्रिएट करो भाई साहब, इसी वजह से तो छावा का भी हिम्मत हो गया इसके साथ क्लैश करने का। जी हाँ, विक्की कौशल की छावा भी इसके साथ क्लैश होने जा रही है। पुष्पा 2 अगर इतनी बड़ी मूवी है कि उसके साथ कोई क्लैश तो क्या, उसके साथ कोई नाम लेने से भी हिचकिचाए, लेकिन छावा ने भी वो हिम्मत कर दी है। वो किसकी वजह से? मेकर्स की वजह से, किसकी? इसकी हाइप अभी तक वो नहीं बना रहे। लेकिन अब कर लेते हैं कुछ इसके ट्रेलर के रिलेटेड। जी हाँ, पुष्पा 2 के हमें 2 ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो अब कब तक आएंगे उस पर कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सुनना है कि 2 मंथ जितना टाइम रहता है, तो अल्लू अर्जुन और मेकर्स को पुष्पा 2 का प्रमोशन काफी जोरों शोरों से स्टार्ट कर देना चाहिए। इवन हिंदी में भी काफी सारा प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि 60% कलेक्शन तो हिंदी से ही आया था पुष्पा का। तो पुष्पा 2 का अगर हिंदी में ढंग से प्रमोशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मूवी को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको क्या लगता है?